Rob, itu Kelvin. Ram, क्या किया तुमने? ऐश्वर्या, तुमने फोन करके उसे बुलाया था ना? तुम तो बताओ क्या हुआ? वो तुलसी को जिन गुंडों ने पहले छेड़ा था, वही लोग आकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। इतने में मैं वहां पहुंच गया और अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। अब मेरे हाथों उसका खून हो गया। ओके मीना, अभी ये सब बात छोड़ो। तुम इन सबको घर लेकर जाओ। मैं किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ और फिर मैं इसकी जमानत करा के इसे घर लाता हूँ। तुम चलो। जरूरत नहीं है, अभी ये वापस नहीं आएगा। खूनी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। बच्चा पैदा करना ही सब कुछ नहीं, उनको अच्छी परवरिश भी देना जरूरी है। उनकी आदतों से लोग ये पूछे कि ये किसकी औलाद है, लेकिन ये खून करके पेपर में फोटो छपाएगा और अपने खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। ऐसे औलाद को दूध पिलाने से अच्छा है उसे जहर पिला के मार दिया जाए। ऐसा मत बोलिए जी। चुप करो तुम। ऐसे हरामखोरी का काम करने वालों के लिए आंसू बहा रही हो तुम। अभी से आंसुओं को खत्म करोगी तो जब मैं मर जाऊंगा क्या करोगी? नहीं डैडी, कोई भी एक अल्फाज नहीं बोलेगा। अगर कोई इसको छू कर घर आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। सोच लो तुम, तुम्हारा पति चाहिए या औलाद चाहिए? पापा मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा दरवाजा खोलिए। पापा ये क्या? पापा पापा दरवाजा खोलिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए, घबराइए नहीं। मीना माँ को साथ ले जाओ। जाओ तुम लोग भी जाओ। रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो प्रकाश, इट विल बी ओके। लो डैडी। सुनिए ये क्या है जी? तुम लोग भी जाके नहा लो, राम हमारे लिए मर चुका। डैडी आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, फोन करने वाला राम नहीं है। क्या ये तूने क्या किया प्रकाश? नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, डरो मत प्रकाश, डरो मत। अचानक ये सब हो गया, अगर किसी को पता चला कि तूने खून है तो तेरी जिंदगी बेवजह बर्बाद हो जाएगी। अभी तुम आईएएस करने वाले हो। सुनो, ये खून तुमने नहीं किया है, मैंने किया है, मैंने किया है खून। नो नो नो, ये खून मैंने नहीं किया, ये धोखे से मर गया, धोखे से। मैंने मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। राम, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है राम। नो राम, नो। मेरी बात सुनो, योगी का फल योगी को और योगी का फल योगी को। मेरी जिंदगी इतनी ही है, यही समझ कर चुप रहना अब प्लीज। ऐसे राम, अब प्रकाश, डैडी की नजर में मैं एक बुरा बेटा हूँ और उनकी नजर में तुम बुरे मत बनो। तुम्हारा फर्ज है उनका सपना पूरा करना, इसलिए मेरी बात मानो। उनको पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे। तुम एक अच्छे इंसान हो। देखो, मैं अगर जिंदा रहा तो वापस लौट के आऊंगा
तुम मेरा इंतजार करना, मुझे वचन दो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ये खून प्रकाश ने नहीं, मैंने किया है। राम, मैंने तो वचन लिया है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम लोग मुझसे वादा करो कि ये खून प्रकाश ने नहीं बल्कि मैंने किया है। पापा, अगर भैया उस समय वहां होते तो जो भी मेरे साथ वहां हो रहा था वो भी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने अपना भविष्य दांव पे लगा दिया। अंकल, हर बच्चे को फर्ज निभाने के लिए संस्कार दिया जाता है, लेकिन राम, उसने तो पूरे परिवार की इज्जत बचाई है, फिर उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों अंकल? मेरे से छोटी सी गलती हो गई थी, मैं अपनी इज्जत की सोचकर पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया था, और राम ने सबकी इज्जत की खातिर पूरी जिंदगी जेल में रहने का फैसला कर लिया बिना किसी गलती के। रियली ही इज ग्रेट। डैडी, कोई भी इंसान कितना बड़ा क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का साथ देंगे, मदद करेंगे, लेकिन राम अपनी पूरी जिंदगी सजा भुगतने के लिए तैयार है। डैडी, सब ठीक हो जाएगा डैडी, आप रोइए मत। सासुमा, सासुमा, ये देखिए। मैंने पहले ही कहा था वो जिंदा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए। अरे देखने उखने का कुछ नहीं है, वो एक केस में फंसा है। क्या केस है वो? मर्डर का केस। उस केस से वो निकले नहीं, इसका ध्यान रखो। देसाई, जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ होता है, उसी तरह तुम लोगों की मौत मेरे बेटे के हाथ से लिखी है। फोटो देखकर अगर तुम लोगों की ये हालत है सामने आ गया तो सीना फट जाएगा। ए, ये सीना फट के मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मूछ लेके मर्द बन के पैदा हूँ। मूछ लेके पैदा होने वाली बिल्ली मियाव करने से कभी शेर नहीं बन जाती। ए, तुम लोगों की जिंदगी और सांसें उसी दिन तक है जिस दिन तक मेरा बेटा तुम लोगों के सामने नहीं आ जाता। योर ऑनर, परसों रात को जो खून हुआ था उसका जिम्मेदार ये राम है और कोई नहीं है। इसने खुद ये कबूल किया है कि यह खून इसने ही किया है, इसलिए इस केस में और किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि इसी आधार पर इसे सजा सुनाया जाए। That's all, Your Honor. Mr. Ram,
तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हारे तरफ से कोई वकील है? जी नहीं। यस योर ऑनर। यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, परसों रात में खून हुआ यह सच है, लेकिन खून इसने किया यह बात गलत है। कोई भी खून का इल्जाम अपने ऊपर लेकर खून मैंने क्या कहने से खूनी नहीं हो जाता। उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। आई मीन टू से योर ऑनर, गवाह। आप ये कह रहे हैं कि इसने खून नहीं किया, इसका कोई सबूत है? हाँ है। पहले ये बताइए ये कौन है? राम। नहीं, वर्मा। इम्पॉसिबल, ये राम है। मेरे पास सबूत है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। इसे वर्मा मानने वाले हजारों लोग हैं, इसीलिए ये राम नहीं है, वर्मा है। तुम्हारी माँ बल्लभ माँ, तुम्हारे पिताजी समाज सेवक वासव राज पाटिल, यह उनकी फोटो, और यह भी सच है कि वो समाज सेवा करते करते इलेक्शन में भी खड़े हुए। उनकी नॉमिनेशन कॉपी ये है। और ये लक्ष्मी देशपांडे, जो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करने के लिए आज भी इंतजार में है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि इसने खून नहीं किया है। इसका कोई गवाह, कोई सबूत, कोई फिंगरप्रिंट, नथिंग। इसलिए इसके अपने आप को खूनी कहने की वजह क्या है वो खुलासा जरूरी है। यही मेरा मकसद है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जब तक सबूत और गवाह सामने नहीं आते, तब तक के लिए राम वर्मा को बेगुनाह मानते हुए ये अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करती है। कौन है रे तू? ये दिखने में वर्मा जैसा लग रहा है। वो सचमुच वर्मा ही है। ये मैं नहीं मानता। ये वर्मा है तो इतने दिन कहाँ था और क्या कर रहा था? अरे वो आदमी जिंदा होके आता है क्या? मेरी बात का जवाब दो। तेरे सारे सवालों का जवाब
कोर्ट में मैं दे चुका हूँ। वो गवाह पैसे से खरीदी छिनाल जैसे हैं, और मैं जो जानना चाहता हूँ वो सच एक माँ की तरह है। तू असली खून की पैदाइश है या ओवर टाइम की पैदाइश? वर्मा, तेरे को जिंदा रखने वाला पानी, तुझे सांस देने वाला जिंदगी की तरह, जब वही हवा तूफान बन के सामने आती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। डैडी, वर्मा हमें क्यों नहीं पहचान रहा है? उसको अपने आप को पहचानने में इतने दिन लग गए। मतलब? याददाश्त खो जाने की वजह से वो पुरानी बातें भूल चुका था। अब याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। इसका मतलब मेरा प्यार, मुझसे शादी का वादा, ये सब बातें एक सपना बन गई है। नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ बेटी, तुम्हें उसके साथ रहकर उसके दिल को समझकर उसे शादी के लिए मनाना होगा। अच्छा डैडी। मेरा दिल कह रहा है ये वर्मा नहीं हो सकता, लेकिन उसको देख के, उसके बातचीत, उसके चाल चलन से, उसके तौर तरीके से ऐसा लग रहा है मुझे कोई बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ चला आ रहा है। जब आएगा तो क्या होगा? वैसे क्या हो गया? अभी गया हा? सब कुछ गया, कुर्सी भी गया, जान भी गया। तुम्हें पता है ना, एक बार जान चली जाए तो लौट के नहीं आती। ये बात तो दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी को पता ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं, वो सिनेमा में बताते हैं ना, किसके लिए वो, उसके लिए वो, उसके लिए वो, किसके लिए वो, क्या क्या डबल रोल। हाँ ऐसा नहीं हो सकता क्या? तेरे को भेजा है क्या? क्या है भेजा है तो सोच। वो पाटिल और देसाई जैसा बीबी को बाजू में रख के किसी की सूरत देखा नहीं उसने, और दूसरे गांव कभी भी नहीं गया, अपनी लंगोट टाइट बांधता है। सुमा, क्या बना रही है? वर्मा बहुत दिनों के बाद घर आया है ना, उसे केले का बहुत पसंद है, वो बना रही हूँ। और कोई चीज उनको पसंद नहीं है क्या? हाँ? नहीं 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 नहीं, डैडी आए हैं अंकल से बात करने के लिए। क्यों क्रिमिनल लॉयर साहब, कौन सा केस लेके आए हो? लड़की बड़ी हो गई है ना, उसे केस कैसे समझूं? रिश्तेदार बन के सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बात को छुपाइए मत अंकल, दिल की बात कह देना अच्छा होता है। लेकिन कुछ नहीं, वो आपकी लड़की है। लेकिन उनके घर में कोई औरत नहीं है तो कैसे बात करेंगे? मम्मी, पसंद होने के बावजूद भी दूसरों से कहना ठीक नहीं होता। उसके लिए तो हिम्मत जुटानी पड़ती है। पहली बार इन्होंने मन की बात कही है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। हम सब कुछ छोड़ कर जी सकते हैं, लेकिन जहाँ पैदा हुए हैं वो छोड़ के नहीं। सुना तुमने मेरे बेटे की बातों को? दूसरों को इसकी बात ज्यादा लगती होगी, लेकिन हमें इसकी बात कम ही लगती है। लेकिन मैं
अपने बेटे पर कितना भी गर्व करूं वो कम है। देखिए भाई साहब, आपका बेटा 100% खरा सोना है। मेरी बेटी किस्मत वाली है। क्या कहा? हा? मैं अपने लड़के के सर पे घड़ी बांधकर मैं तेरे घर भेज दूं। सासू माँ, अंकल उन्हें घर जमाई बना रहे हैं। हा? समझ रहे हो शैतान। सर यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार ने यह जगह किसी दूसरे को दे दी है। यहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है पूरा जमीन। फिर हम सब कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी रहो, इस गांव में रहो या दूसरे गांव में रहो, चुपचाप ये जमीन जल्दी से खाली करो। ए नमक पानी आओ। आया मालिक। मालिक यहाँ कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। यहाँ पर फैक्ट्री बनाने में कोई तकलीफ नहीं। पीने का पानी, रहने की जगह मिल जाए तो कोई भी हुज्जत नहीं करेगा, तो समझो प्रोजेक्ट ओके। मेरे सामने यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? हम लोग क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा तुम लोग इधर फैक्ट्री बनाओगे तो ये गांव वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ खाने को खाना नहीं है, सब मर रहे हैं। बाजू के गांव में जाएंगे तो सब जिंदा रहेंगे। बस बस बस, ये गांव खाली कराने के लिए तुम यहाँ आए ना? इन लोगों की मदद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज पैसा जो चाहिए हर तरह की मदद कर रही है। क्या है, किधर है? कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। ऐसा क्या? ऐसा ही। इस साल केंद्र सरकार ने 3.5 लाख मैट्रिक टन अनाज जनता के लिए पास किया है, उसमें से 2 लाख टन तुम लोग लेके आए। उसमें से तुम लोगों ने कितना बटवाया? 1,90,000 टन सिर्फ, बाकी का किधर गया? 50,000 घर बनाने के लिए तुम लोगों ने पैसा लिया, तुमने बनाया सिर्फ 20,000 घर, बचा हुआ पैसा कहाँ गया? पीने के पानी के लिए 150 करोड़ रुपए तुम लोगों को दिया गया, उसमें से तुम लोग 97,03,50,000 रुपया खर्चा किया, बाकी के पैसे खा गए क्या? हाँ, रोड बनाने के लिए तुम लोगों ने कामगार मंत्रालय से 22 करोड़ लिए थे और अब मंत्रालय में कंप्लेंट गया है। आप लोगों ने कुछ काम किया है क्या? सर ये सब छोड़िए, मुझे वो गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी दिखाइए। सर ये लीजिए। इसमें तो लिखा है यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये सिर्फ बंजर जमीन है। इन लोगों ने प्रूफ किया है। देसाई ये सही नहीं है, ये सब तू छोड़ दे नहीं तो। ए, क्या कर लेगा? करूँगा क्या? सुनो, लोगों की भलाई के लिए जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले सकता हूँ और गांव की भलाई के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ। लगता है हमें तेरी जान ही लेनी पड़ेगी। वर्मा, हमारे गांव के लिए आता हुआ हवा का झोंका हूं मैं, लेकिन तुम्हारे जैसों के लिए सुनामी तूफान हूं मैं। पता है ना तूफान आने के बाद कितनी तकलीफ होती है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। बर्मा नहीं, बर्मा चला चलते चल। सर अगर ये लोग हमारी कंप्लेंट कर दिए तो? उससे पहले यहां पर कोई रहने जैसा नहीं रहेगा। तेरा चढ़ा हुआ गुस्सा ठंडा हुआ ना, अब तो जाओ जाओ, अब चलो। अगर ये आपके साथ रहेगा तो आपको तकलीफ है क्या? सिर्फ तकलीफ होती तो मुझे चलता, लेकिन इसका गुस्सा किसी का खून कर देगा। देसाई जैसा बड़ा आदमी के साथ मारपीट करने निकला? पाटिल साहब, झगड़ा अगर खून में ही शामिल है तो उसे कौन रोक सकता है?
मारपीट में और सच्चे इंसाफ में बहुत फर्क होता है वकील साहब। हमें चाहिए सच्चाई की जीत, मौत नहीं। अब तू जा। डैडी, मैंने अगर किया वो गलत है तो आप जो कर रहे हैं वो भी गलत है। वर्मा, मेरे दिल में क्या है तू समझ क्यों नहीं रहा है? हम लोग दौलतमंद नहीं हैं, फिर भी कोई आ जाए तो उसे एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, लेकिन इंसाफ की कहीं बात करनी है तो शायद इतनी समझ नहीं हो सकती। हम लोग जो खाना खाते हैं वो पच जाता है, जो हम कपड़ा पहनते हैं वो फट जाता है, लेकिन विद्या ऐसा ज्ञान है उसे जितनी अधिक हासिल करो उतनी बढ़ती है। लेकिन देसाई और बल्ला जैसे लोग मार काट के फेंक डालते हैं। उसको अगर मुट्ठी में रखना है तो तुझे उससे भी ज्यादा बलवान और पैसे वाला बनना पड़ेगा। इस गांव के आसपास तो जैसा कोई नहीं है। तुझे किसी से मांगने वाला इंसान नहीं बनना चाहिए। तुझे तो बिल्कुल कामधेनु जैसा, दूसरों को कुछ मांगने पर तुरंत देना चाहिए। मैं हूं ना, अब तू जा। अच्छा, जीते रहो। चलता हूँ डैडी। माँ, चलता हूँ। जीते रहो बेटा, तुमसे मिलने के लिए हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे। इसे छोड़ा ही। आ बेटा, चलो। अभी कुछ नहीं बोलना है, वो जमीन अब हमारी हो गई। ए, तुम्हारे बाप का कानून है क्या? क्या है? जो भी कुछ है इनको सब मालूम था, ये सब तुमने किया है। तुम लोगों के आदमियों ने जो आग लगाई है उसमें से तीन पकड़े गए हैं। ये सब मैंने थोड़ी किया है, सब अचानक हुआ है। अचानक नहीं हुआ, तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों को पता है। गया सब कुछ, गया सब कुछ। कैसे भी करके तुम उनको मना नहीं सकते क्या? कोशिश किया था, वो सारे के संपर्क खेल रहे हैं। तुम्हारे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। क्या खा कोशिश करते हो? क्या देख रहे हो? दांत निकाल कर खड़े हो, कुछ बोलोगे या ऐसे खड़े रहोगे? इसका मतलब हमारे बजाय अपोजिशन पार्टी की जीत हो जाएगी और हम हाथ पाथ धरे बैठे रहेंगे। गया सब कुछ, गया कुर्सी, गया जान, गया सब कुछ गया। तुम्हें पता है ना, एक बार जान चली गई तो लौट के नहीं आती। मेरी कुर्सी चली गई तो लौट कर नहीं आएगी। मैं सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पे चले जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी सांस बंद करने से पहले उसी की सांसें बंद कर देते हैं। देसाई भाई, हम एक काम करते हैं, ऐसा करते कि कैसे? अभी इसको उन लोगों में फिट करेंगे तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हो? अरे वही जो ग्रुप ग्रुप बनाते रहते हैं। कैसा ग्रुप? बंदर का? अरे तू क्या बीच में बेसीर पैर की बात करता रहता है? क्या कहा? अरे वही जो आतंक बचाने के समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्हें सुधारने के लिए लड्डू बात रही थी और बीच में धमाक करके फूट गया था। नाजपिटन नक्सलवादियों का क्या? अब वो कर्नाटक में आने वाले हैं। इन लोगों को अगर उसी ग्रुप का कहा जाए तो धमाका हो जाएगा। जो बात तुमने मेरे सामने कही है वो बात तुम कोर्ट में कहोगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वो देसाई भौंकने वाला कुत्ता और तुम लोग दहाड़ने वाले शेर बन जाओगे। सच बोला तो छोड़ेंगे नहीं,
उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? मैं हूँ ना। देखो हाँ। तुमको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारा वकील देशपांडे है ना। रुको रुको, उसका घर आ गया। बेटा, ये दुख सहने की ताकत तुझे भगवान देगा, तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर में भगवान ही नहीं तो हम दुखड़ा किसको सुनाएंगे? क्यों, हम लोग नहीं है क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा था, ये बिल्कुल सच है। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है, वो हम करके ही रहेंगे। लक्ष्मी, हमारे क्वार्टर्स में इन लोगों का रहने का इंतजाम कर दो। जी माँ जी। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमारे देश में इंसाफ के लिए लड़ने वालों को यही इनाम मिलता है। पिताजी किससे लड़े थे? वो एमपी भल्ला, देसाई, ज्योतिगे और डीएसपीसी से लड़ रहे थे। वो अक्सर कहा करते थे कि देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, वो उन्होंने कर दिखाया। वर्मा, अब उनका बचा हुआ काम तुम्हें पूरा करना है बेटा। बिल्कुल करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा। अंकल, अब तो इन सारे बड़े लोगों को हमें कानूनी लड़ाई से मारना होगा। मैं रेडी हूँ योर ऑनर। 3 दिन पहले बासवराज पाटिल समाज सेवक का खून जो हुआ यह सबको पता है, लेकिन उन्हें झूठ छलबदी बनाकर पुलिस ने एनकाउंटर करवा दिया। वो लोग
कौन है ये किसी को नहीं पता। दरअसल यह एक साजिश है। आर्गुमेंट शुरू करने से पहले एग्रो इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी हस्ती, जनता के भरोसे को खून करने वाला डीसी और एसपी के साथ देसाई भी मिला हुआ है। पाटिल जब इन लोगों को रोकने गया तो रात को चुपके से आकर आग लगाकर गांव को जला दिया। कोर्ट को पाटिल सब सच्चाई बस बताने वाला ही था, पर फेक एनकाउंटर में उसे मार डाला गया। और अपने ही गुनाहों को छुपाने के लिए उन्हें नक्सलवादी बताया गया, पर वो ऐसे नहीं थे। होते तो तुम मिलता, पर नो। आई एम सॉरी टू से दिस इज टोटली ए प्री प्लान मर्डर, और ये सच्चाई कोर्ट को बताने के लिए मैंने कोशिश की। इस प्रकरण की न्यायिक जांच जरूरी है, आगे बासवराज पाटिल ऊपर से ये इल्जाम हटाने के लिए सरकार को ईमानदारी से तहकीकात करनी चाहिए। दैट्स ऑल। तुमने कहा था तुम्हारे पीछे मैं हूँ, ये देखो कोर्ट से सम्मन आया है। अगली सुनवाई में अगर मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा तुम्हारा काम तो चल जाएगा, मेरा क्या होगा? अरे तो तुम लोग इतना क्यों घबरा रहे हो? हा? राम और लक्ष्मण के साथ में जो रहता है, जो समुद्र के ऊपर उड़ता है, क्या कहते हैं उसको? अरे हनुमान है। हाँ, जब वो हनुमान यहाँ है। ये सफेद पोशाक पहन के गली का कुत्ता कहने वाले महात्मा पहले से मिट्टी में मिल गए हैं। जाओ। मैं इस सफेद पोशाक को पोशाक नहीं बल्कि कफन समझ के पहनता हूं। किसी से मैं डरता नहीं हूं। जरूरत पड़ी तो मैं सच्चाई के लिए किसी की जान ले भी सकता हूं और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान दे भी सकता हूं। इसीलिए मैं तुझे समझाता हूं, तू सब कुछ सच सच बता दे और अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो यहीं पर तुझे नंगा करके सबके सामने मारूंगा और तेरा सारा अधिकार मैं छीन लूंगा। ये क्या समझता है तू? मैं कोई मामूली आदमी नहीं, पावरफुल आदमी हूँ, उसके पीछे खड़ा हूँ। ये देसाई जो है मेरा चेला है, यूं करके पस्त कर दूंगा, इंक्वायरी को बंद करा दूंगा। ए, ए, तेरा मुंह बंद कर। तू और कितने दिन रहेगा? अगले महीने इलेक्शन है, मैं तेरे खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ और इलेक्शन में जीत के भी दिखाऊंगा। आदमी को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, दिमाग का तंत्र मंत्र चलाना चाहिए। राक्षस लोग बंदर को बंदर समझ के मुंह चिढ़ा के उनके साथ किस तरह से खेल खेलना चाहिए वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चल। मैं अपने बाप की तरह सर झुकाकर इंसाफ मांगने वाला नहीं हूँ। वर्मा, हमारी तरफ आने वाला हवा का झोंका तुम जैसे कमीनों की तरफ आने वाली सुनामी तूफान, पता है ना? आने के बाद होने वाला नुकसान जाने के बाद पता चलता है। वर्मा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अंकल जब जिंदा थे तो उन्होंने हमारी शादी की बात चलाई थी, वो पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम क्या कहते हो? ये क्या है बर्मा, तुम घर पर भी नहीं आते और शादी के लिए भी तैयार नहीं हो? तेरे पास अक्ल नहीं है क्या? शादी क्या बच्चों का खेल है जो जब चाह खेल लिया? तुझे अगर शादी की इतनी जल्दी है तो किसी और लड़के से कर ले। वर्मा, आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखो ना माँ, डैडी की मौत का गम कम नहीं हुआ, लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई और इसको शादी की पड़ी है। मैं क्या समझूं? तुम दूसरों की तकलीफ के लिए मुझे भूल गए हो। हाँ, मैं भूल गया हूँ। मैं अपने सुख के लिए दूसरों को दुख में नहीं डाल सकता। मरने के बाद लोग मुझे याद रखने चाहिए, इसके लिए जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ए, शादी के बाद मन में स्वार्थ पैदा होता है, अकेले में सिर्फ हवस की भूख रहती है। मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी, मैं साथ दूंगी। इतना कुछ कहने के बाद भी क्यों शक कर रहे हो? अंकल ऐसा नहीं है। वर्मा, लक्ष्मी साथ रहना चाहती है तो तुम्हारा उससे दूर जाना ठीक नहीं बेटा।
ठीक है माँ, मेरा मकसद पूरा होने के बाद शादी कर लूंगा। आह कहो कहो मन की बातें चंद्रो, आह जल जल अब ये दिल में लग रो, साथ रहना दूर न जाना चाहे मैं कुछ करूं, अरे और किसका दिल न जला ना तुम माशूका बनो, मैं खुल 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 किसका तपो, हाँ बोलो 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 करो किसका भांडा को, सुनना सुनना आ ना, सुनना सुनना आ, सुनना सुनना आ ना, सुनना सुनना आ। चले प्यार की गाड़ी चलने दो, क्या मस्त है जोड़ी, लव का महीना तो काट लो, हनी से स्वीट हो नॉट लाइक यू, याद रखना तुम ओ सजना, डोंट यू लव वांट टू डू व्हाट इन अ डोंट थिंक कैसे सहूं, आ कहो कहो मन की बात है चंद्रोस, आ दिनक दिनक दिन चला चला अब ये दिल में लगा लो, साथ रहना दूर ना जा चाहे मैं कुछ कह दूं, और किसी का दिल ना जला ना तुम आशिक बनो, बन गया मेरा सोना, ऐसा क्या गाल सिंपल हैरी, तू है इस दिल की मल्लिका, ताल में गाओ सात सुरों की, ले 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 के हमको कहाँ जाओगी, तुम मेरी हो जो कुछ भी हो, मैं खोल 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 किसका कपूर, बोलो 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 करू क्या भाटी, साथ रहना दूर न जाना चाहे मैं कुछ कह दूं, और किसी का दिल न जला ना तुम माशूका बनो। वेलकम। इलेक्शन लड़ता है करके तू फैसला कर चुका है? ये वर्मा सिर्फ बोलता नहीं है। अभी तेरे चेहरे पर ठीक से मूछ नहीं आई, तू अभी अधिकारी बनेगा। ए, तेरे जैसा स्वार्थी इंसान जो जीता उसकी पार्टी में घुसकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानता हो वो इंसान नहीं होता।
बोलता हूँ वो सुन। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी भी मूछें थी। सुन, चेहरे पर मूछ होने से कोई मर्द नहीं होता, मर्द वही होता है जिसके सीने में जिगर होता है और शरीर में ताकत होती है। क्या समझता है तू? काहे का सेवा? पॉलिटिक्स क्या होता है जानता है तू? कुर्सी की अहमियत जानता है तू? जाने तो छोड़ो, राजनीति में कितने लोग रहते हैं पता है तुझे? लोकसभा में 557 सीट है, विधानसभा में 224 सीट है, दो तिहाई मेजोरिटी मिलती है वो हुकूमत कर सकता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में 250 सीट है, विधान परिषद में 75 सीट है, ग्राम पंचायत में 5,659 सीट है, तालुका पंचायत में 175 सीट है, जिला परिषद में 26 है, बोर्ड चेयरमैन का 100 से भी ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह की मदद करती है। इसमें से जनता को कितना देते हो और अंदर कितना करते हो इसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। हाँ, और कुछ बताऊं क्या? वर्मा, कुर्सी खिसक गई, अभी हमारा जितना उतना ही है श्राद्ध। चलो चलते हैं, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। ए नमक पानी, तुझे कैसे इलेक्शन जिताना मैं जानता हूँ, चल। सर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। जी हाँ साहब, तुम्हारे पिताजी नक्सलाइट नहीं थे, उन्हें फर्जी एनकाउंटर में मरवाया गया और वो मैं हूँ। सर, आपके सामने ही नहीं कोर्ट में भी बयान देंगे। सर, हम अपना अधिकार के खिलाफ गए, देसाई और बलारा के साथ मिलकर उनके गलत कामों में हम उनके भागीदार बनते रहे, उसके साथ बराबर के भागीदार बने हम और उन्हें बचाते रहे। गरीबों के लिए आया हुआ पैसा अंदर कर लिया चुपचाप। सर, ऐसे इंडस्ट्री के नाम से हजारों लोगों के रहने की जगह को खाली कराने में नाकाम होने के बाद उसे जलाने वाला देसाई और एमपी बलारा है, बस यही सच्चाई है सर। ये सच है सर। अब क्या बोलते हो मिस्टर बल्लार? गया, सब कुछ गया, कुर्सी गया, जान भी गया। अभी फैसला कर लो, सुनामी में फंसकर खुद को मिटाना चाहते हो या अपना गुनाह कबूल करके उन गरीबों को ठंडी हवा देना चाहते हो? अरे क्या वर्मा भाई, तुम ये फैसला कैसा वक्त है? तुमने एक बार जो बोल दिया खत्म हो गई बात, मेरे कंधे पे जो इज्जत की सवाल है उसे निकाल के फेंक दिया। हमें तूफान का सामना नहीं करना है, कहीं दूर जाकर बस जाऊंगा, यही हमारी परंपरा है। जी हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना गुनाह कबूल कर लो बस। अरे नमक पाने, कबूल कर ले क्या? सब कुछ छोड़ दो, आप एक बात बताओ, मैं कौन हूँ? नौटंकीबाज वो तो पहले, मगर अभी वो क्या है, कारपोरेटर है कि जनरेटर है एमपी? या क्या कहते हैं? कुत्ता, आपके घर का कुत्ता, जो आप रोटी डालो और वो खाए, दुम हिलाने वाला कुत्ता। और उसे क्या बताया? वो आश्वासन दिया मगर कुछ करते नहीं। मालिक, मालिक, एसपी और डीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सारा रिकॉर्ड कैसेट इसके पास है, वो कैसेट अगर कोर्ट में चला गया तो गया, कुर्सी गया, नौकरी गया। तुम्हें मालूम है क्या, एक बार जान चली गई तो वापस नहीं आती। तुम्हें एक बात पता है क्या? क्या? ये कोर्ट नहीं जा सकता, ये अपने बाप के पास जाएगा, कैलाश जाएगा। देसाई, ये वर्मा है, हमारी तरफ से आने वाली हवा का झोंका, तुम जैसे कमीने लोगों के लिए डर होता है। ए, क्या देख रहे हो, इसकी बोटियां भी ढूंढने पर नहीं मिलनी चाहिए, काट दो इसको। काट।
हादसे के बाद न जाने तुम कहाँ गुम हो गए। सभी ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। कोई सबूत भी तो नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद इन्हें पूछने वाला कौन था? वो डीएसपी, वो बाकी सब लोगों को देसाई ने अपने साथ मिला लिया। सभी लोगों को साथ लेके इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए था ना? जब कोई लीडर होता है तभी जय का नारा लगता है, और लीडर नहीं मिलने तक या इंतजार करेंगे या अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करेंगे, इसीलिए ऐसा हुआ। मतलब गरीबों का कोई राजा न हो तो उनके जिस्म में रीढ़ ही नहीं होती। ये तुम सोचते हो। उधर वो देसाई जात पात के नाम पर लोगों को भड़काकर टुकड़ों टुकड़ बांट दिया है। जिसने इंसाफ के लिए लड़ना चाहा उसे मार डाला। सब जाओ यहाँ से। बेटा मैंने क्या गुनाह किया है? बात मत करो, सब जाओ यहाँ से, कोई नहीं रुकेगा। वर्मा क्या हुआ, क्या बात है? इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये कहीं और जाएं। कोई गलती हुई क्या? अरे माँ, इन लोगों के लिए हमारे पिताजी ने अपनी जान गंवा दी और ये एहसान फरामोश देसाई के साथ मिल गए। जी हाँ, पेट की भूख मिटाने और तन ढकने के लिए दर दर की ठोकरे खाने वाले का जात और कुल क्या है किसी को नहीं पता। इंसानियत को ना जानने वाले ऐसे लोगों के सहारा बनने से पाटिल की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? वो देसाई मंदिर चर्च मस्जिद बनाकर देने के लिए तुमसे वादा किया था ना, अपनी एकता को भूलकर तुम उसके पीछे घूम रहे हो। ऐसे लोगों को खाना कपड़ा और घर हम क्यों दे? वर्मा, भगवान के नाम पर उपवास रखने वाले व्यक्ति के घर पर अगर खुद भगवान आ जाए तो उनको भला कौन मना कर सकता है बेटा? कल इन लोगों को कोई और कुछ बोलेगा तो उसकी भी सुनेंगे। और ये देसाई, अगर आपको जगह चाहिए तो मैं देता हूँ, लेकिन मुझे भेदभाव नहीं चाहिए, जाति मजहब नहीं चाहिए, इंसानियत के नाते एक साथ रहकर पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सा काम धंधा करो। अगर तुम लोगों को मंजूर है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वरना तुम लोग जा सकते हो। अरे बेटा, मेरे पति बहुत बीमार है, मैं अपने बीमार पति को लेकर अब कहाँ जाऊंगी? उन्हें माफ कर दो ना बेटा। भाई हम तो गंवार हैं, हम लोगों से कोई भी गलती हुई हो उसे माफ कर दो। मैंने पहले ही कहा था, कीड़ा समझ कर जिसको पाल रहे अजगर बनकर हमें निकल जाएगा। आग लगाने के लिए कहा था तो तुम पहले से ही पानी का लोटा लेकर खड़े हो गए थे, अब जलो उसी आग में। रात में सपने में भी डराने आता है। मुंह बंद कर हरामखोर। भाई वो, अरे आज उसने पूरे मंदिर पर कब्जा किया, कल पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा। अरे कब्जा किया तो कोई बात नहीं, कल पूरी गांव को फौज बनाकर हमसे जंग करने आ गया तो क्या करें? बकवास बंद करो। वो अगर जंग करने हमारे पास आएगा तो हमारे पास आदमी है, पैसा है, पुलिस है, इन सब के बल पर मैं उसका बैंड बजा दूंगा। सुनिए, हम लोगों ने जो जमीन हड़पी थी वो जमीन वो हमसे छीनने से पहले अगर हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें तो लोगों से लिया एडवांस पैसा एग्रो कंपनी वालों को रिटर्न करना पड़ेगा। ए, पैसे दे देंगे ना उसे? ओ मालिक, पैसा किधर है? अब सिर्फ एक ही रास्ता है बचने के लिए। वो क्या? अगर वो हमारे सामने आता है तो उसका सर काट कर गटर में फेंक देते हैं। सुनो, अब तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ। वो लोग फिर से आ गए तो वो आज मैं देख लूंगा। वर्मा जी की जय हो। ये वर्मा नहीं है, इसका नाम वर्मा नहीं है, राम है। वर्मा, ये क्या बोल रही है? मैं सच बोल रही हूँ, बैंगलोर में इसका घर है और इसने मुझसे शादी का वादा भी किया है। नहीं, मैं नहीं मानती, मेरी और इनकी शादी तय हो चुकी है। देसाई के कहने पर तुम इसे फंसाने के लिए नाटक कर रही हो। चाहो तो राम से पूछ लो। हेलो, तुम कौन हो? राम? मैं राम नहीं हूँ, वर्मा हूँ। इसका मतलब तुमने मुझसे भी झूठ बोला? तुम कौन हो मैं नहीं जानता, जरा तुम बता सकती हो?
देखो मजाक मत करो। मुझे मजाक करने की आदत नहीं है, तुम्हें भूल हुई है। राम तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती क्या? प्लीज चलो। यानी कि ये वर्मा नहीं है? ओ मालिक छोड़ देंगे तो गया गया सब कुछ गया, कुर्सी गई जान गई, आपको मालूम है ना? अगर जान एक जान बार चली गई तो फिर वापस नहीं आती, ऐसा ही है ना? मुंह थोड़ा बंद रखना। अबे नमक पानी, तू जो बोल रहा सच है, लेकिन ये सच को पहचानने का तरीका कैसे है? तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा समझदार हो? लेकिन क्या करें, ये उसका बेटा है करके मानने को कोई तैयार? थपकी देंगे तो कोई भी गोद में सोने के लिए तैयार होता है, सख्ती करेंगे तो सर पर बैठने की सोचते हैं। ए वर्मा बाहर निकल। ए उसको अंदर क्यों छुपा रखा है, नकली बेटे को बाहर निकल। ए जुबान संभाल कर बात कर वरना काट के रख दूंगा। क्या हुआ? ए, ये तेरा बेटा राम है क्या? नहीं, ऐसा बेटा पाने का नसीब मेरा नहीं है, मैं पहले बोल चुका। ए, तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं, मैं मर भी गया तो झूठ नहीं बोलूंगा। सर ये सच ऐसे नहीं बताएगा, इससे सच उगलवाने के लिए पुलिस स्टेटमेंट की जरूरत है। रुक जाओ, मैं बताती हूँ, ये राम है, इनका बेटा है। छोड़ेंगे नहीं। अरे जो चाहो कर लो। कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, इसके केस को रीओपन करके इसे जेल भिजवा देंगे। चलो यहाँ से, छोड़ेंगे नहीं, चलते हैं यहाँ से। सच छुपता नहीं, वो लड़की और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये चाह कर भी छुपा नहीं पाए तुम लोग। उसी तरह एक माँ होने के नाते मैं पूरी सच्चाई जान गई थी बेटा। मैंने देसाई और उसके साथियों से कहा था कि मेरा वर्मा जरूर आएगा, लेकिन मेरा बेटा तो वापस नहीं आया, लेकिन उसके रूप में गांव वालों को हक दिलाने के लिए दूसरा वर्मा आ गया है, और वो तुम हो राम। तुम्हें मैं दिल से वर्मा मान चुकी थी बेटा, लेकिन आज जो मैंने इनकी हालत देखी तो मैं अपने दिल में उस झूठ को छुपा ना सकी। औलाद खोने का गम मैं जानती हूँ बेटा, अपने वर्मा को खोने का गम मैंने अपने सीने में छुपा रखा था, लेकिन ये पूरे गांव के दुखी लोग तो तुमको भगवान के रूप में पूजा करते हैं बेटा, उन्हें हक दिलाने की विनती करती हूँ। राम तेरी अच्छी आदतों को मैं हमेशा गलत ही समझता रहा, तुझे गुंडा समझा, तू वाल्मीकि भी हो सकता है नहीं समझा, लेकिन आज हजारों तेरे गुण गा रहे हैं ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आज तुझे अपना बेटा कहने पर मुझे फक्र होता है। मेरा राम, राम। डैडी, तो फिर क्या ये वर्मा नहीं है? नहीं बेटी, मैं भी इसको वर्मा समझकर केस जीत के छुड़ा के लाया। मतलब मैं वर्मा नहीं हूँ? बनना पड़ेगा, चार लोगों की खुशी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, गांव की भलाई के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ कहने वाला वर्मा तुम्हें ही बनना पड़ेगा। मैं? हाँ तुम। ये कैसे हो सकता है?
देखो तुम्हारे रिश्ते से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई हाहाकार जैसा रूप सामने नहीं आया, और सिर्फ इसी वजह से यहाँ तुम्हारा बर्मा बन के रहने से या उसका काम पूरा करने से कोई पाप नहीं होगा, यकीन मानो। गरीबों को हक दिलाना होगा, कोई कुछ भी कहे तुम्हें इंसाफ करना होगा। ऐसा करने से किसी को कभी एतराज नहीं होगा। द चॉइस इज योर्स। राम, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें खूनी साबित करें, तुम्हें इनके जुल्मों को सामने लाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो वर्मा और पाटिल की आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। रोको, बस अभी तो कुछ हुआ नहीं है। औरत के दामन में छुपकर बचेगा नहीं मुझसे, समझा? पाटिल और वर्मा की मौत के बारे में तुझे सच सच बताना होगा, नहीं तो इसी आग में जलकर तू राख हो जाएगा। नहीं, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। नहीं राम, इस पे बिल्कुल भरोसा मत करो, इसे कोर्ट में सीधा हाजिर करना ही अच्छा होगा। जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। तू अकेला नहीं आएगा, एसपी के साथ आएगा। राम, खुद की गाड़ी होते हुए भी ये बस में क्यों जा रहे हो? ऐसे ही अंकल, पहले भी वो गवाहों को मार चुके हैं, इसलिए इस बार गवाह मर भी गए तब भी लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए, इसलिए सबके साथ जा रहा हूँ।
माँ, मुझे आशीर्वाद दो। माँ कहते हो और माँ को छोड़ के जा रहे हो, वो जिंदा रह पाएगी क्या? माँ, वो कोई भी मुझे माँ कह के पुकारे अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो मेरा बेटा हो सकता है क्या? तू वर्मा बनके इधर नहीं रह सकता क्या?